अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारिस एहसान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे। हमारी जो है पीएचपी लेक्चर चल रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, एरेज़ के जो है, एरे जो है पीएचपी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं और एरे होते क्या हैं। एरे होते क्या हैं, एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन सिंगल वेरिएबल। यानी कि आपने जो है जब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी हो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, अगर जो है मैंने जो है एक वेरिएबल लिया डॉलर ए, इसको वैल्यू दी मैंने 10, ठीक है। एक और वेरिएबल लिया मैंने डॉलर बी, इसको वैल्यू क्या दी मैंने 20। अब अगर मुझे 100 वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं क्या 100 वेरिएबल लूँगा, तो यहाँ पे यूज़ होते हैं मेरे एरे। यानी कि आपने जो है जब मल्टीपल डेटा एक ही टाइप का बहुत सारा डेटा स्टोर कराना हो तो आप क्या करते हैं उसको सिंपल एरे में रख के उनको स्टोर करा देते हैं सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। अब एरे जो है मेरे पास तीन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से। एक होता है इंडेक्स्ड एरे, एक एसोसिएटिव एरे, और एक क्या होता है मेरे पास मल्टी डायमेंशन एरे। इंडेक्स एरे क्या होता है, एरे विद अ न्यूमेरिक इंडेक्स। यानी कि जो है आप इंडेक्स के थ्रू, न्यूमेरिक इंडेक्स के थ्रू उसको वैल्यूज़ दें। एक होता है एसोसिएटिव एरे, एरे विद नेम्ड कीज़। यानी कि आप जो है एरे को नेम दें किसके साथ, कीज़ के साथ, एरे को वैल्यूज़ दें आप उनकी की के साथ। और एक होता है मेरे पास मल्टी डायमेंशन एरे, यानी कि एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज। एक एरे के अंदर जो है आप बहुत सारे एरेज कंटेन कर सकें, ठीक है। या फिर कह लें इसको जो है टू डायमेंशन एरे भी कहते हैं, 2D एरे। यानी कि जो है आप मल्टीपल डायमेंशन के अंदर वैल्यूज स्टोर कराते हैं, रॉ वाइज भी और कॉलम वाइज भी, सही है। अब जो है सिंपल मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, PHP। मैंने जो है एक वेरिएबल लिया किस नाम से, डॉलर नेम इक्वल्स टू एरे, सही है। ये मैंने एरे बना दिया किस नाम से, नेम के नाम से। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ दूंगा। पहले वैल्यू दी मैंने हारिस, दूसरी वैल्यू दी मैंने असद, तीसरी वैल्यू दी मैंने सईद, और चौथी वैल्यू मैंने क्या दी इसको, सात। यानी कि एरे के अंदर जो है मैंने चार एलिमेंट स्टोर करा दिए, सही है। अब इनकी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करानी हो तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा इको वैल्यूज इन एरे आर, एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। अब यहाँ मैं क्या कॉल कराऊँगा वैल्यू इंडेक्स वाइज, कैसे, मैंने क्या कहा डॉलर नेम 0। यानी कि जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो शो हो जाएगी। नेम 0 पे वैल्यू क्या है, हारिस, मुझे जब वो शो हो जाएगी, ठीक है। एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होती है इंडेक्स वाइज, यानी कि इंडेक्स 0 पे हारिस है, इंडेक्स 1 पे असद, इंडेक्स 2 पे सईद है, और इंडेक्स 3 पे क्या है, सात, सही है। इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज प्रिंट करा दूंगा। क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये आ गई मेरी 1, ये आ गया 2, और ये मेरी लास्ट वैल्यू है, मैंने लिख दिया एंड और 3, एंड में सेमी कॉलन, सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जो जो है सारी वैल्यूज शो हो गई, सही है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ सईद प्रिंट हो, सईद किस पे है, मेरी सेकंड इंडेक्स पे है सईद की वैल्यू, तो मैं इन सब को मिटा दूंगा, तो मुझे सिर्फ सईद की वैल्यू शो हो जाएगी, ये लिखा हुआ आ जाएगा जो भी वैल्यू सेकेंड इंडेक्स पे होगी, ठीक है। सही प्रिंट हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से जो है मेरा एरे का सेंटेक्स है। अच्छा, इसकी अगर हम और एग्जांपल देखें, ये जो है कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज हो रहे हैं, सही है। ये क्या है, मैंने जो है एक इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करता हूँ, कंट्रोल एक्स। ये क्या है, मैंने एक एरे लिया कलर के नाम से, इसके अंदर मैंने तीन वैल्यू स्टोर करा दी, सही है। और मैंने क्या कहा, फॉर ईच कलर एस, मैंने इसमें क्या यूज़ किया है, फॉर ईच का लूप यूज़ किया। फॉर ईच क्यों, ये जो है अक्सर औकात जब आप एरे लिस्ट या फिर कलेक्शन वगैरह को आप जब प्रिंट करा रहे होते हैं तो आप फॉर ईच लूप लेते हैं, ठीक है।
इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट देनी पड़ती है और ना ही एंडिंग पॉइंट देना पड़ता है और ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, फॉर ईच डॉलर कलर, यहाँ पे आ गया मेरा एरे नेम, और एस के बाद आपने कोई भी लोकल वेरिएबल नेम ले लिया, मैंने ले लिया सी। इसका मतलब क्या है, कलर क्या है, मेरा एरे नेम है, यानी कि इस एरे में से डाटा उठ के मेरा इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, वन बाय वन क्या हुआ, मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट हो गए। सही है, अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, सॉर्ट का फंक्शन यूज़ किया। ये क्या है, मेरा बिल्ट इन फंक्शन है। मैंने क्या कहा, सॉर्ट कर दो किसको, कलर को सॉर्ट कर दो। कलर क्या है, मेरा एरे नेम है। और प्रिंट कैसे करा रहा हूँ, मैंने कहा इको यूएल यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, दोबारा मैंने फॉर ईच का लूप लिया पूरा वही, मैंने कहा फॉर ईच डॉलर कलर एज वाई, यानी कि इसमें से डेटा उठ के इस वेरिएबल के अंदर चला जाए, और इस वाई को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। प्रिंट कैसे कराया, मैंने जो है लिस्ट के थ्रू प्रिंट कराया। ये एल आई के टैग क्या होते हैं, मेरे लिस्ट की वैल्यू शो कराने के लिए यूज़ होते हैं, आप चाहे तो इनके बगैर भी यूज़ करा सकते हैं। और यहाँ पे मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग क्लोज हो गया। सही है, पहले मेरी ये मुझे ये वैल्यू शो होंगी, उसके बाद जो मुझे वैल्यू शो होंगी वो सॉर्ट हुई भी आएंगी सारा डाटा मेरा। अब मैं इसको रन करूँ, अगर पहले जो है मुझे सारी वैल्यू शो हो गई, उसके बाद जो मुझे वैल्यू शो हुई है वो सारा डाटा क्या हुआ, मेरा सॉर्ट हुआ हुआ शो हुआ है। यानी कि जो है सॉर्ट क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, इसने क्या किया, पूरे एरे की वैल्यूज़ को सॉर्ट करा दिया। आज का टॉपिक जो है यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से जो है हम एरे की जो टाइप्स थी उनको देखेंगे।